गाइस वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग बिजनेस और मार्केटिंग के टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं, जिसको बोलते हैं हर्ड बिहेवियर। हर्डिंग जनरली हमने एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इनके केसेस में सुना है और हमने देखा है कि कैसे सड़क पे भेड़, बकरी, गायें एक ग्रुप में चल रहे होते हैं और जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप जाएगा वहीं पे बाकी का ग्रुप जाएगा। सिमिलरली ह्यूमंस में भी ये फिनोमेना और टेंडेंसी होती है कि वो अपने डिसीजंस दूसरे इंडिविजुअल्स को, दूसरे ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देख के अपने ओपिनियंस फ्रेम करता है, अपनी परसेप्शंस फ्रेम करता है। आपने देखा होगा वोटिंग के टाइम, रिलीजियस गैदरिंग के टाइम, सोशल गैदरिंग के टाइम, राइट्स के टाइम, जहां पे पूरा ग्रुप मूव करता है वहां पे बाकी इंडिविजुअल्स मूव करते हैं। तो ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि वो अपने इंडिविजुअल और रेशनल डिसीजंस ना लेके जो पूरा ग्रुप डिसाइड करता है उसी पर्टिकुलर डिसीजन को वो अपना डिसीजन बना लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा, बॉयकॉट बॉलीवुड। बड़ी-बड़ी मूवीज, बड़े-बड़े सुपरस्टार की मूवीज फ्लॉप हो गई क्योंकि लोगों ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, बॉयकॉट बॉलीवुड। तो क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे इस हर्डिंग का कोई इंपैक्ट है? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बॉयकॉट बॉलीवुड का इतना बड़ा इंपैक्ट है, तो इसलिए मार्केटर को हर्ड बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केटर हर्ड बिहेवियर में कभी कभी अपनी डिमांड को बड़े अच्छे से जनरेट भी कर सकता है। कैसे? देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड फोमो कांसेप्ट। बड़ा ही बजवर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केटर फोमो को यूज करता है और हर्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। कैसे? कहीं मेरे प्रोडक्ट का या कहीं इस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म ना हो जाए। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ये प्रोडक्ट कुछ ही देर के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करने वाला हूं, आधे घंटे के अंदर मैं सिर्फ 1000 प्रोडक्ट सेल करने वाला हूं। और सब लोग लग जाते हैं उस प्रोडक्ट के पीछे और सबको लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे ना मिला तो कहीं सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं मैं ऐसा तो नहीं लगूंगा कि यार सिर्फ तेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सबके पास ये प्रोडक्ट है। तो वो हर्डिंग बिहेवियर और फोमो को यूज करके मार्केटर बड़ा ही स्मार्टली अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपकी भी साइकोलॉजी उस हर्डिंग बिहेवियर का पार्ट है? क्या आपने भी कभी कोई प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हर्डिंग की वजह से या हर्ड बिहेवियर की वजह से परचेज किया है? क्योंकि मार्केटर तो बहुत बार ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी इस हर्ड बिहेवियर का पार्ट हैं और मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। अगर थोड़े से टाइम में किया है मैंने अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब।